दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये थर्ड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस जो वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं सम को डिस्कस करूँगा। तो लगभग 8 जो सम है जो मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा क्रिटिकल है, उसी सम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पहला है, थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन फिर भी ये बता देना मैं जरूरी समझ रहा हूँ। तो जैसे कि ए सम ऑफ रुपीज 420 इंक्रीज टू रुपीज 504, फाइंड द इंक्रीज्ड परसेंटेज, यानी कितना परसेंट ये जो 420 रुपया, जब कभी भी आप सम बनाए तो यहाँ पर रफ लिख सकते हैं, राइट साइड में आप जरूर रफ लिख करके उसको यूज कीजिए। कोई भी सम को गेस करने में बहुत ही मदद होता है। तो 420 रुपया ये इंक्रीज होकर के 504 रुपया जो बन रहा है, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये इस सम में मांग रहा है। तो पहले लिखेंगे इंक्रीज इन सम, तो ये 84 रुपया इंक्रीज हुआ 420 पे। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या लिखेंगे, इंक्रीज बाय ओरिजिनल और इनिशियल अमाउंट इनटू 100। तो 20% इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो चलिए दूसरा सम देखता हूं। तो ये कह रहा है कि ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज मनी एंड वॉज लेफ्ट विथ ₹20। हाउ मच डिड ही हैव इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितना रुपया था ये ना बता करके वो बता रहा है कि उस रुपये का जो स्टार्टिंग में था 75% वो खर्च कर चुका, उसके बाद देख रहा है कि हमारे पास 20 रुपया बचा है, ठीक है। तो हाउ मच डिड ही हैव इनिशियली, तो उसके पास इनिशियली कितना था। तो कैसे निकालेंगे इसको, अगर x मान के निकालें तो बहुत इजी हो जाएगा, और x मान के ना भी निकालें तो भी बन सकता है। तो पहले हम x मान लेते हैं, लेट मान लिया उसका इनिशियल मनी x है, तो स्पेंट अमाउंट 75% माने 75/100 इंटू एक्स, ये खर्च कर दिया, ठीक है। यानी इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 75x/100। अच्छा, लेफ्ट अमाउंट स्टार्टिंग में उसका एक्स था इनिशियल, माइनस एक्सपेंडिचर यानी इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट x था, एक्सपेंडिचर है 75x/100। तो ये बचेगा, अगर इसको हम सोल्व करेंगे, 100x-75x, तो उसके पास x बटा 4 अमाउंट लेफ्ट हुआ यानी बचा। लेकिन यहां पर सम में बोल रहा है कि उसके पास 20 रुपया बचा, तो ये वाला इक्वल हो रहा है, ये 20 रुपया बोल दिया है, तो ये वाला जो अमाउंट हम x मान के निकालें ये दोनों इक्वल होगा। तो इसको इक्वेट करके हम देखते हैं क्या आ रहा है। यानी x इक्वल टू 80 रुपीज आया, इसका मतलब उसके पास जो इनिशियल अमाउंट था वो 80 रुपया था, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए हम अब तीसरा सम देखते हैं। तीसरा सम ये है, ए डीलर सोल्ड एन आर्टिकल तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं। बोल रहा है कि ए डीलर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1836, ठीक है, एंड इनकर्ड ए लॉस ऑफ 15%। मतलब अगर इस रुपया में कोई आर्टिकल को बेचा है, यानी SP 1836 है, तो उसका जो लॉस परसेंटेज है वो 15 है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमको CP निकालना है। ये हुआ एक पार्ट। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है ये जान लें। इसमें हमको निकालना है फर्स्ट CP निकालना है। यहाँ हम रफ करके लिख लेते हैं, जैसे हम बताए ना रफ लिखने से बेनिफिट होता है, रफ निकाल लेते हैं। CP निकालना है फर्स्ट, एक नंबर। दूसरा बोलता है एट व्हाट प्राइस, इसको हम डिलीट करते हैं, एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। किस प्राइस पर इसको उसको बेचना चाहिए था कि जिससे उसको 10% का प्रॉफिट होता। तो कितना प्राइस पर बेचना चाहिए था, यानी फिर नेक्स्ट टाइम में वो SP मांग रहा है, एक नया SP मांग रहा है, तो जिसमें उसको 10% का प्रॉफिट होता। दोस्तों हम यहाँ पर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि बहुत ही इजीएस्ट मेथड होता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्या गिवेन है, ठीक है। तो गिवेन ये वाला केस वन है। तो गिवेन है पहले SP सेलिंग प्राइस, तो ये केस वन में हमको CP निकाल रहे हैं। तो CP का हम फार्मूला जानते हैं, तो इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं। लॉस परसेंट यानी परसेंटेज लॉस, L परसेंट जो है तो यहाँ पर होगा 100 माइनस उसको 15% का नुकसान हुआ है, तो -15 लिखेंगे। और SP है जो 1836 था उसका, यही था ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों उसका CP हुआ 2160, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि कितना SP पर उसको रखता कि उसको 10% का प्रॉफिट होता। तो हम यहाँ पर SP का फॉर्मूला लगाएं। हमेशा इस तरह से लिख लिया कीजिए, नहीं तो इसमें क्लमजीनेस में अगर कुछ कीजिएगा तो गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो अगर उस आर्टिकल को 2376 रुपया में बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। तो सम तो इजी लगा ना, क्योंकि अगर फॉर्मूला सही से इस्तेमाल करेंगे और सम को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ज़रूर वो सम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो एक दूसरा सम देखते हैं, चौथा नंबर। पहले हम सम लिखते हैं,
पहले सम को समझते हैं। एक ग्रॉसर है, मतलब जो ग्रॉसरी शॉप खोल के बैठा हुआ है वैसा एक ग्रॉसर है, जो 100 किलोग्राम राइस को, ठीक है, खरीदा। तो ग्रॉसर ने 100 किलोग्राम राइस को खरीदा कितना रुपया में? 1200 रुपया में, ठीक है। पहले क्या किया, हाफ क्वांटिटी उसका था, यानी 50 kg, हाफ क्वांटिटी 50 kg, वो बेचा 14 रुपया पर किलोग्राम पे। एट व्हाट रेट, किस रेट से वो रेस्ट अमाउंट को बेचे, यानी रेस्ट क्वांटिटी यानी 50 जो है उसको किस रेट से बेचे कि टोटल पर 20% का प्रॉफिट हो। तो टोटल पर 20% का प्रॉफिट हो, मतलब 1200 रुपया उसका टोटल खर्च लगा था, 1200 रुपया पर 20% के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से एक जो SP आएगा उतना रुपया हम उसको बेचना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन वो हमको SP नहीं पूछ रहा है, हमको वो रेट पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, हम पहले टोटल SP निकाल लेंगे, हम इसको पहले रफ करके देखते हैं। हर एक सम को मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप रफ किया कीजिए, रफ करने से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा करना क्या है। पहले हम क्या करेंगे, SP निकाल लेंगे 20% पर 1200 पर, वो SP मेरा आ गया। फिर क्या करेंगे, 50 kg का SP कितना हुआ, 50 × 14, ये एक तो SP आ गया मान लिया, स्टार अमाउंट आया। फिर बाकी जो 50 बचा वो जो है किस रेट से बेचेगा, तो मान लिया X रेट से बेचा है वो, ठीक है। तो ये जो अमाउंट कितना आएगा, ये जो मेरा टोटल SP आया है इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये वाला होना चाहिए, क्योंकि 700 रुपया 14 × 75 700 रुपया का वो बेच चुका। तो जो मेरा टोटल SP आया है वो 700 रुपया उसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी वो SP होगा इस रेस्ट क्वांटिटी यानी 50 किलो का X रेट से, तो X निकल जाएगा, ये क्वांटिटी में 50 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम SP निकालते हैं, है ना, सिंपल, सोचना खाली है और कुछ नहीं होता है सब में। तो जो गिवन है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में जाऊंगा, आप इसको स्टेटमेंट में लिखिएगा, अगर आपको कहीं दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। तो उसका पहले में CP क्या है, 1200 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसको जो है 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट 20% से है, तो हमको इस पर SP निकाल लेते हैं पहले। ये आप फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ प्लस लगाएं, जब प्रॉफिट होगा प्लस, लॉस होगा माइनस। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, उसको 1440 रुपया में टोटल अमाउंट को बेचना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं निकालना, हमको रेट निकालना है। तो पहले हम 50 केजी का यानी हाफ क्वांटिटी, तो पहले हाफ ऑफ द क्वांटिटी क्या होगा, हाफ कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 50 kg, ठीक है ना। तो SP ऑफ 14 पर kg इक्वल टू क्या होगा, 50 × 14, यानी ये हो गया रुपया 700। देयरफोर SP ऑफ रेस्ट 50 kg इक्वल टू, उधर में 1440 आया था टोटल SP माइनस 700, यानी ये आ जाएगा 740 रुपया रेस्ट SP होगा। तो हमारा क्या रेट होना चाहिए, तो द रिक्वायर्ड रेट आप x मान के बना सकते हैं, 50 × x इक्वल टू दिस, या इसको डायरेक्ट हम 50 से डिवाइड कर दे रहे हैं। द रिक्वायर्ड रेट इक्वल टू क्या होगा, 740 डिवाइड बाई 50। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, उसको रेस्ट अमाउंट को
कम से कम 14.80 रुपया पर किलो अगर वो बेचेगा तो उसको टोटल ओवरऑल 20% का बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं पांचवें सम की ओर। इफ CP:SP=20:13 फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सम है लेकिन इस सम को भी जान लेना जरूरी है। तो लेट सो लेट द एक्चुअल CP and SP बी 20x and 13x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, सीपी अगर 20 है तो एसपी 13x है, तो यहां लिखेंगे एज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अगर जो खरीद दाम है वो बिक्री वाले दाम से ज्यादा हो तो निश्चित रूप से लॉस हो रहा है, देयरफॉर देयर इज अ लॉस, देयरफॉर लॉस परसेंट इक्वल टू उसका सीपी था 20x। तो लॉस निकालने के लिए सीपी में से हम एसपी माइनस कर रहे हैं, ये लॉस आ गया और 20x उसका सीपी था, ये मुझे मालूम है, इनटू 100 परसेंटेज के लिए ये फॉर्मूला है ऑलरेडी। तो यहाँ हो गया उसको 35% का नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसके अगला वाला सम देखें, यानी छठा सम। तो दोस्तों सबसे पहले इस सम को हम लोग समझते हैं। एक डीलर है जो एक जमीन का टुकड़ा खरीदता है, एक पार्ट ऑफ जमीन खरीदा 8 लाख रुपए में, ठीक है, और इस जमीन को वो 10 प्लॉट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं कि हर एक प्लॉट पर वो 10,000 रुपीज खर्च करता है डेवलप करने में, कुछ काम किया, ठीक है, साइड से मरवाया, मजदूरी खर्च जो भी है, उसमें रोस्ता रास्ता बनवा सकता है, उसमें ड्रेन बनवा सकता है, उसको डेवलप किया लैंड को 10,000 पर प्लॉट में सो खर्च आया। तो अगर वो हर एक प्लॉट को 1 लाख रुपया में बेचता है, ठीक है, तो उसका कितना प्रॉफिट परसेंट में निकालना है। अगर सम को समझने की कोशिश करें तो सीधा है, उसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हम रफ करके देखते हैं, उसका निकालना पड़ेगा सीपी, एक्चुअल सीपी क्या है, कॉस्ट, क्योंकि वो 8 लाख रुपया में खरीदा, फिर उसको यहाँ पर 10,000 पर प्लॉट, यानी अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया उसका खर्चा हुआ, तो उसका सीपी कितना हो रहा है, 8 × 9 लाख रुपया हो गया सीपी, और वो यहाँ पर टोटल एक प्लॉट को 1 लाख में बेचा, 10 प्लॉट 10 लाख रुपया हो जा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना। तो ये इजी सम है, समझना ही खाली मेन पॉइंट है इसमें। तो पहले निकालेंगे उसका सॉल्यूशन, जब निकालेंगे तो गिवन, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूँ कि जरूरत है स्टेटमेंट लिखने का, कॉस्ट ऑफ द प्लॉट इक्वल टू ₹8 लाख, टेन टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट 1 लाख रुपया हो गया, देयरफॉर एक्चुअल सीपी क्या हो गया, 8 लाख + 1 लाख = ₹9 लाख, ठीक है ना। तो 9 लाख उसका एक्चुअल सीपी हो गया। तो एसपी इक्वल टू क्या है,
10 लाख टोटल एसपी, देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो रहा, 10 लाख माइनस 9 लाख मतलब 1 लाख, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट नौ लाख उसका सीपी है, 100 में 9 से डिवाइड करेंगे ठीक है, क्या आएगा 9 1 9 1 आया 0, 9 1 9 यानी 1 11 1/9 ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट हुआ 11 1/9% ठीक है ना। दोस्तों इस वीडियो का मैं आपको 7वां सम बताने जा रहा हूं और ये आखिरी सम है। जितने तरह का मोटा मोटी जो इस प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी घुमाव किया जा सकता है वो उतना तरह का मैं सम डिस्कस कर दिया हूं। अगर और भी आपको कोई कठिन सम यहां पर मिले तो आप यहां पर कमेंट कीजिएगा तो उसको मैं सॉल्यूशन करके यहां पर दे सकता हूं ठीक है। तो ये 7वां सम है, ये सेलर मैं इसको लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले सम को समझ लेते हैं कि एक सेलर है वो 10% का डिस्काउंट देता है पेन के ऊपर में और उसको सेल करता है 90 रुपीज में, यानी सेल किया यानी उसका एसपी है 90 रुपीज, उसका डिस्काउंट परसेंटेज है 10। तो यहां पर मांग रहा है फर्स्ट केस में उसका एमपी मार्क प्राइस क्या है उसका ठीक है। फिर सेकंड पूछता है कि अगर वो 12.5% का प्रॉफिट करता है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी क्या है ठीक है दोस्तों। तो यहां पर एसपी दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है और एमपी मांग रहा है, तो हम मान लेते हैं कि उसका जो एमपी है वो एक्स है, नहीं मानने से थोड़ा सा कठिनाई होगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट द मार्क प्राइस ठीक है 10% है इसलिए 10/100 इंटू एक्स, मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट होता है, एक्स बाई 10 हो गया उसका डिस्काउंट। तो उसका यहां से एसपी क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, उसका एमपी हम लोग एक्स माने थे और उसका डिस्काउंट हमारा एक्स बाई 10 आया है, तो ये कितना हो रहा है 9x/10 हम लोग का आया एसपी। लेकिन हम लोग जानते हैं ये जो एसपी है वो 90 रुपया के बराबर होगा क्योंकि 90 रुपया तो उसका एसपी दिया हुआ है ठीक है ना। देयरफॉर टेन को यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए 19 × 10 और 9 यहां पर मल्टीप्लाई है तो यहां डिवाइड हो जाएगा 9 10। इसका मतलब उसका मार्क प्राइस है 100 रुपीज, देयरफॉर एमपी कितना आ गया रुपीज 100। फिर बोलता है कि अगर उसका प्रॉफिट है 12.5% तो सीपी क्या होगा ठीक है दोस्तों। तो यहां पर दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट
25/2% इसको लिख सकते हैं, और SP ऑलरेडी हमको पता है वो 90 है, तो CP इक्वल टू क्या होगा? देयरफॉर CP का फॉर्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं 100/100 प्लस प्रॉफिट कर रहा है, तो प्रॉफिट के लिए हम लोग प्लस करते हैं इनटू SP यानी 90, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, ये सब चीज़ का सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, ये 100 प्लस 25/2 क्या होगा, 200 पर, यानी 200 हो जाएगा, 200 प्लस 25/2 इंटू 90, ये 225 हो जाएगा, और दो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 200/225 हो जाएगा। इसको हम कैंसिलेशन कराते हैं, यानी उसका CP कितना है, 80 रुपया है। ये हुआ आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैं ये सम डिस्कस किया, और इसके पहले जो वीडियो भी डिस्कस किया हूँ कॉन्सेप्ट और सम के ऊपर में, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कोई आपको कठिन सम मिलता है, कहीं पर आपको समझने में ट्रबल हो रहा है, तो ज़रूर कमेंट करें। पर्टिकुलरली समझने में कहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको यहाँ पर कमेंट करें। एक बात और बता दूँ, फॉर्मूला ही बड़ा चीज़ नहीं होता है, फॉर्मूला तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन एक एक सम में एक एक तरह से जो पेच लगा करके पूछता है, जो ऐसा पेचीदा बनाता है कि आप उसमें कंफ्यूज करें, तो हर एक मैथ अपने आप में यूनिक होता है, तो उसी यूनिकनेस को ब्रेक करने के लिए आपको अपना इंटेलिजेंस को अप्लाई करना है, वो करने के लिए आपको बार बार एक सम को पढ़ करके उसको अच्छी तरह से समझना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में। एक बार अगर वो समझ में आ गया तो बस वो कुछ भी नहीं है फिर, ये जान लीजिए, फिर आपको फॉर्मूला मालूम है, सीधे अप्लाई कीजिए और उसको आना ही आना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आएगा, और अगर आपको समझ में आए तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर अपडेटेड वीडियो आपको इनबॉक्स में आ सके, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।